रुक बात स्वागत है आपका और रुक करते इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का। रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर, रोहतक में जसिया में जो रैली होने जा रही है आज जाट समाज की तरफ से, उसका भूमि पूजन हुआ है वहां पर और कई जाट नेता जसिया पहुंचे हैं और भूमि पूजन के कार्यक्रम में जाट नेताओं की तरफ से तीखे सुर देखने को मिले हैं। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पर निशाना साधा गया है। इसके अलावा राजकुमार सैनी को एक बार फिर से आड़े हाथों लिया गया है जाट समाज की तरफ से। रैली के विरोध के नाम पर अपने चमचों से विद्रोह कराने का काम किया गया है। रोहतक के जाट कर चुके हैं कैप्टन अभिमन्यु का सामाजिक बहिष्कार। बीजेपी को तुरंत प्रभाव से कैप्टन अभिमन्यु को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए, यह बात कही गई है। रोहतक से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, ये एक्सक्लूसिव विजुअल हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें रोहतक से जहां पर कि भूमि पूजन का कार्यक्रम था पहले और ये भूमि पूजन किया गया। हरियाणा न्यूज पर एक्सक्लूसिव खबरें और तस्वीरों के सामने हम आपके साथ, हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता रोहतक से। हर्षवर्धन, क्या कुछ अपडेट? किया जा रहा और वहीं पे जो है भूमि पूजन का भी आयोजन किया जा रहा था, उसको लेकर के जाट नेता यशपाल मलिक जो है वहाँ मौके पर पहुंच गए और भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। उसके अलावा जिस तरीके से जाट नेता यशपाल मलिक की बात की जाए तो उन्होंने कहीं ना कहीं कैप्टन वित्त मंत्री जो है अभिमन्यु उनके ऊपर भी निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से केवल पूरा समाज जाट समाज जो है वो कैप्टन अभिमन्यु का बहिष्कार कर चुका है और इस मामले में भाजपा सरकार को कैप्टन अभिमन्यु को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर देना चाहिए। वहीं उन्होंने दूसरी ओर सांसद राजकुमार सैनी की रैली के ऊपर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके जिस महापुरुष के नाम पर सांसद राजकुमार सैनी रैली कर रहे हैं ज्योतिबा फुले के नाम पर, उनका काम था समाज को जोड़ने का, लेकिन राजकुमार सैनी जो है 35 बिरादरी को लेकर कहीं ना कहीं जो है समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जी विनय, क्या मकसद के बारे में क्या कुछ बात हुई इन जाट नेताओं की, अगर बात की जाए क्या मकसद है ये फिर से एक बार इस तरह से रैली का आयोजन और फिर से एक तरह से भय का माहौल पैदा करना? देखिए, जिस तरीके से जाट नेता यशपाल मलिक की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहले भी उन्होंने भाईचारा रैली की है और आज भी जिस तरीके से एक रैली का आयोजन किया जा रहा है जाट महारैली के नाम से जो आयोजन किया जा रहा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज भी हमारे साथ जो है 36 बिरादरी के लोग जुड़े हुए हैं और किसी प्रकार का कोई भी आपस में मन मुटाव नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुछ लोगों में उन्होंने साफ तौर पर वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के ऊपर ही खासतौर पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनके साथ पूरे प्रदेश में लेकर के 30-40 लोग ही जुटा पाए थे जो जो उनका विरोध भी कर रहे थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर दिया था। तो कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर साफ तौर पर उनका निशाना वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पर ही था। जी चलिए, बेहद शुक्रिया आपका हर्षवर्धन इस तमाम जानकारी के लिए। जिस तरीके से जो केंद्रीय इस्पात मंत्री वीरेंद्र डूमर का है वो यहाँ पर इस रैली के अंदर शिरकत करेंगे और इनेलो की तरफ से जो अभय सिंह चौटाला है वो भी यहाँ पर इस रैली में शिरकत करेंगे। इसके अलावा बात की जाए पंजाब की, हिमाचल की, जम्मू कश्मीर की, राजस्थान के जाट जो नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो काफी मंत्री जो है इस रैली स्थल के दौरान यहाँ पर पहुंचेंगे और लोगों को अपना संबोधित भी करेंगे। जिस तरीके की बात की जाए, जिस तरीके आज जो 26 नवंबर का दिन है, जिस तरीके से देर रात को विरोधी पक्ष के लोगों ने जाट महारैली को फ्लॉप करने के लिए जिस तरीके से ठान रखी थी और रैली का विरोध कर रहे थे, उन्हें देर रात को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन अब की बात की जाए तो मामला बिल्कुल किसी प्रकार से कोई तनाव का माहौल नजर नहीं आ रहा और रैली स्थल की बात की जाए तो रैली स्थल को पूरी तरीके से जो है सजा दिया गया है और लगभग लाखों की संख्या में लोगों के यहाँ पहुँचने की उम्मीद है। कैमरा पर्सन सन्नी कुमार के साथ हर्षवर्धन शर्मा, हरियाणा न्यूज़, रोहतक।